Hey guys, good evening. Welcome back to my new vlog. This is Rahul. बज चुके हैं शाम के 4:45. आई होप आपको कल का मम्मी का बर्थडे ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा. गाइस, आप भी इसी तरीके से अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं. फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल है साईं का बर्थडे, तो उसके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेज लेने हैं. अगर वो जागेगा तो फिर हम लोग मार्केट नहीं जा पाएंगे. चलते हैं मार्केट. तो गाइस, ये देखिए यहाँ पर माता रानी विसर्जन के लिए जा रही हैं. तो गाइस, फाइनली हम लोग गिफ्ट ले चुके हैं और अब इन्हें साई से छुपा के रखना पड़ेगा, वरना वो देख लेगा तो इन्हें खोल लेगा. फिलहाल बज चुके हैं शाम के 7:45, तो चलिए चलते हैं अपने घर. तो गाइस, मार्केट से आ गए हैं हम घर और अभी हम लोगों ने सारे गिफ्ट बाहर रख दिए थे ताकि साईं उनको देख ना ले, वरना वो सारे गिफ्ट खोल देता और सरप्राइज का पूरा बैंड बच जाता. गाइस, अभी साईं सो रहा है हॉल में. वो यहाँ पर सो रहा था, फिर हम लोगों के जाने के बाद उसकी नींद खुल गई, तो मम्मी ने उसको भी हॉल में सुला दिया है. और आपने गाइस मार्केट में माहौल देखा ही होगा, माता रानी का हो रहा है विसर्जन, तो लिटरली आज बहुत ही खराब लग रहा है. जो 9 दिन की रौनक रहती है वो सब समाप्त हो चुकी है. गाइस, आपने देखा होगा सारे पंडाल खुल चुके हैं, सारी लाइटें निकल चुकी हैं, कुछ अभी रह गई हैं. तो यार कल से बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि जो ये 9 दिन रहते हैं वो बहुत ही खास रहते हैं. पूरे शहर में एकदम रौनक वाला माहौल रहता है, एकदम पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया जाता है. लिटरली बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और इस वाली फीलिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके लिए. फिलहाल अभी साईं सो रहा है, तो चलिए जब तक मैं निपटा लेता हूँ कुछ अपने जरूरी काम. गाइस, टाइम हो चुका है शाम के 7:30 और ये देखिए यहाँ पर साईं और अरु दोनों सोकर उठ गए हैं और अरु अपनी नानी के साथ अभी बैठी हुई है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है और देख रही है अपना फेवरेट शो. क्यों अरु? हाँ? क्या कर रही हो? किसके साथ? नानी के साथ, मौसी के साथ, साईं के साथ. अच्छा, क्यों साईं, तुम भी जा रहे हो पार्क? साईं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है. शायद ये लोग पार्क जा रहे हैं, मम्मी ले जा रही हैं इन दोनों बच्चों को पार्क. तो चलिए अभी इन दोनों बच्चों को जाने देते हैं पार्क मम्मी के साथ. आज है शनिवार, तो मैं भी जाता हूँ शनि मंदिर. गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शनि मंदिर, करते हैं शनि महाराज के दर्शन. तो गाइस, शनि महाराज के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर. तो गाइस, आ चुके हैं हम घर और ये देखिए यहाँ पर अरु और साईं दोनों की मस्ती चल रही है. साईं हम लोगों के साथ शनि मंदिर चला गया था. एक्चुअल में ये रास्ते में जाके रूठ गया कि मुझे पापा जी के साथ जाना है, तो फिर मम्मी इसको दोबारा लेके आई, फिर हम लोग इसको मंदिर ले गए और अरु गई थी मम्मी के साथ घूमने के लिए पार्क तक. पार्क में घूम के आई हो? पार्क में नहीं गई थी. कहाँ गई थी फिर आप? मैं तो इसी के घर गई थी. इसी के घर चली गई थी फिर? हाँ. पार्क नहीं गई? अच्छा. मामा, केक तो बेटा खत्म हो गया. मैंने तो तो बेटा आपने रात में थोड़ा सा खाया था ना, फिर उसके बाद सबने खा लिया तो केक खत्म हो गया था. साईं का बर्थडे है ना, तो कल अपन काटेंगे केक. ठीक है, ठीक है मामा. और आपको सोना नहीं है? नहीं, क्यों? आपकी क्लास है ना सुबह? सो जाओ बेटा, अभी देखो 9:45 बज गए हैं. तो गाइस यहाँ पर अरु साईं के साथ खेलने के लिए जिद कर रही है और सुबह इसको उठना है क्योंकि इसकी सुबह से क्लास रहती है. तो हम लोग इसको अराउंड 9 बजे सुला देते हैं. हाँ, तो कल तो आपका बर्थडे नहीं है ना, नहीं. तो फिर आपके लिए केक क्यों आएगा? चलो ठीक है. अच्छा, तो
तो आपके लिए छोटा केक ला देंगे और साईं के लिए बड़ा, ठीक है? तो आप भी केक काट लेना और साईं भी काट लेगा, ठीक है? अब आप एक काम करो, आप सोने को चली जाओ, चली जाओ प्लीज, सो जाओ, फिर आपको जल्दी सुबह उठना है ना, ठीक है? तो गाइस अभी दोनों बच्चे खेल रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर साईं मना कर रहा है रूकी ली कि आप ट्रेन की ट्रैक को मत उठाओ। दोनों बच्चे मस्ती करते हैं, आपने देखा होगा काफी झगड़ा करते हैं ये लोग। आज दोपहर में इन दोनों का झगड़ा हो गया था, फिर जैसे तैसे करके सुलझाया, अरु गिर गई थी, उसके बाद फिर साईं ने उसको मना लिया कैसे भी करके। मामा मैं जा रही हूँ। क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि मुझे नहीं करना क्लास अटेंड। चलो ठीक है, तो चल ही जाओ, सो जाओ आप, ठीक है? सो जाओ जल्दी, फिर सुबह उठना, बाय बाय। तो गाइज यहाँ पर अरु चली गई है और साईं खेल रहा है अपनी ट्रेन के साथ। चलिए फिलहाल साईं को खिलाते हैं खाना, मुझे भी काफी भूख लगी हुई तो मैं भी खाना खा लेता हूँ। तो गाइज टाइम हो चुका है खाने का और आ गया है हमारा स्पेशल वाला खाना, और खाने में है टमाटर की चटनी, दाल, लौकी, कैथा की चटनी और सब्जी। फिलहाल खाते हैं खाना, उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो गाइज खाना खा के हो चुके हैं हम फ्री, और ये देखिए यहाँ पर साईं और साईं की मम्मा दोनों बलून फोड़ रहे हैं। साईं लगा हुआ था कि पापा मुझे बलून फोड़ना है, तो गाइज देखिए यहाँ पर साईं अपनी मम्मा के साथ बलून फोड़ने में लगा हुआ है। आपको पता ही है कल साईं का बर्थडे है, तो अभी हम लोग फिलहाल ये पूरी वॉल क्लीन करेंगे, इसलिए साईं बलून फोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर सारे बलून फूट चुके हैं, अभी हम इस वॉल को करेंगे टोटल क्लीन, क्योंकि कल साईं का बर्थडे है तो हमें इसको फिर से डेकोरेट करना है। फिलहाल बज चुके हैं रात के 10:15, तो यहाँ करता हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।